जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम हैं फिलहाल मुंबई सेंट्रल में और हमारे पीछे है अगस्त क्रांति राजधानी जिसमें हम यात्रा करने वाले हैं। वैसे मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच में तेजस राजधानी भी चलती है जो कि नई गाड़ी है, मॉडर्न रेक्स के साथ चल रही है। इसका ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन आज मैं आप लोग को अगस्त क्रांति राजधानी के सफ़र में ले जाने वाला हूँ। 5 बजे छूटेगी अपनी तेजस राजधानी और अगस्त क्रांति छूटेगी हमारी 5:10 पे, वो जाती है नई दिल्ली तक, ये जाती है हज़रत निज़ामुद्दीन तक। चलिए चलते हैं कोच के अंदर, बाकी बातें आप लोगों से अंदर ही होंगी। तो दोस्तों आज हम यात्रा कर रहे हैं अगस्त क्रांति के फर्स्ट एसी में और देखिए इंटीरियर कितना कमाल का है। इस तरह की सीटें आपको हर ट्रेन में नहीं मिलेगी और ये अगस्त क्रांति राजधानी में दी गई हैं, मतलब अगर एसी भी ऑन है तो ये सीटें ठंडी नहीं होंगी। बाकी जब ब्लैंकेट वगैरह मिला करता था ये सीटें और भी अच्छी लगती थी, वैसे अभी भी काफ़ी कम्फर्टेबल लग रही है। और यहाँ पर डस्टबिन वगैरह भी हर पैसेंजर के लिए दिया गया है, चार्जिंग सॉकेट है चारों पैसेंजर्स के लिए। यह है केबिन, यहाँ पर 4 पैसेंजर्स होते हैं। चलिए मैं आप लोग को कूप दिखाता हूँ, आज हम लोग कूप में यात्रा करने वाले हैं भारतीय रेलवे की कुछ यादों के साथ। और ये है अपना फर्स्ट एसी का कोच, इंटीरियर काफ़ी शानदार है, सजा के बनाया गया है और सीटें भी काफ़ी कंफर्टेबल। और यहाँ हमारे ऐसे भी ब्लॉग वाले सौरभ भाई छोड़ने आए हैं कूप में। तो भाई कैसा लगा इंटीरियर अगस्त क्रांति का? काफ़ी मस्त है, स्पेशली सीट है सोफा जैसा, सोने के लिए दिखाओ यार कितना विड्थ है इसका, लेट के दिखा दो यार, नजारों का आनंद लेके हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। और सामने देख सकते वो भी खड़ी है किंग राजधानी। जाओगे क्या उसमें? नहीं, उसमें डोर बंद है उसके। उसके एक ही दिक्कत हुई थी कि उसके डोर बंद थे, बाहर के कुछ दिखा नहीं पा रहे थे, और इसके जो डोर है वो खुले रहेंगे। तो कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन नज़ारे दिखा पाए कुछ इस रूट के। फिलहाल मैं सौरभ भाई से थोड़ी बात करता हूँ, आप लोगों से डिपार्चर पे मिलता हूँ। और यहाँ पे बिल्कुल 5 बजे हमारी मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है। जल्दी अगस्त क्रांति राजधानी भी ऐसे ही मॉडर्न कोचेस की हो जाएगी। ये जो स्मार्ट कोचेस हैं इसमें जो डोर्स हैं ये ऑटोमेटिक हैं, खुद ही बंद हो जाते हैं, और भी बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं। तो आप लोग ब्लॉग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको उसका, जहाँ पर आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं कैसी है ये राजधानी और क्या अंतर है इन दोनों राजधानी ट्रेन में। फिर मिलते हैं 3-4 महीने में। तो एकदम बिल्कुल 5:10 पे दोस्तों हम लोग चल चुके हैं मुंबई सेंट्रल से। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बिनोमो ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जहां पे आप बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों में इजिली अवेलेबल है। यहाँ से आप अर्न किए गए पैसे से लाइफ के बेसिक एक्सपेंसेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप को खोलते हैं आपको यहाँ पे 2 तरह के अकाउंट देखने को मिल जाएंगे, एक डेमो अकाउंट है एक रियल अकाउंट है। जिन लोगों को प्रैक्टिस करनी है वो डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैंने तो कई बार ऑलरेडी ट्रेडिंग की है तो मैं रियल अकाउंट से आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आज हम 350 रुपीज़ को इन्वेस्ट करते हैं और आपको बस फोरकास्ट करना है कि ये जो ग्राफ है अप जाएगा डाउन। तो चलिए मैंने अप की ओर फोरकास्ट कर दिया है। और तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 644 रुपीज़ कमा भी लिए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इन पैसों को अपने आप बैंक अकाउंट में और पेटीएम वॉलेट में इजीली और क्विकली ट्रांसफर कर सकते हैं। पैसे तो मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज़ का है, पर अगर आप मेरे कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप बिनोमो ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 65,000 रुपीज़ आपके डेमो अकाउंट में मिलेगा, जहाँ से आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं आसानी से। तो देर किस बात की दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बिनोमो ऐप को डाउनलोड कीजिए और ट्रेडिंग को शुरू कीजिए। सामने मुंबई वलसाड डबल डेकर पैसेंजर खड़ी है जो कि छूटेगी, और इससे जस्ट पहले फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस भी जाती है। फ्लाइंग रानी इसके उस पार खड़ी है, आपको बस दिखाई दे पा रही होगी। अब सपनों के शहर से जाने का मन तो हमारा भी नहीं कर रहा था, लेकिन इस जर्नी को पूरा करना है तो सफ़र पे तो निकलना ही होगा। तो आप लोग इन्जॉय कीजिए अगस्त क्रांति एक्सप्रेस के दादर स्टेशन को बिना रुके पार करने को।
खैर अगर आप लोग मुंबई आ रहे हैं और आपकी ट्रेन का लोकल ट्रेन के साथ रेस ना हो तो एक सफर अधूरा सा लगता है। दोस्तों लगभग 30 किलोमीटर की दूरी को तय करके अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप बोरीवली आ चुके हैं और एक एग्जांपल आप लोगों ने देखा ट्रेन के फर्स्ट एसी में डॉग्स हम लोग कैरी कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं, लेकिन अभी हमारा डिपार्चर नहीं होने वाला, मात्र 2 मिनट का स्टॉप है, चलिए देखते हैं डिपार्चर। और सामने हमारे बांद्रा जयपुर एक्सप्रेस खड़ी हुई है जिसको हम लोग यहाँ पे ओवरटेक कर रहे हैं। वैसे हमारा डिपार्चर टाइम यहाँ से उससे पहले ही है, काफ़ी फेमस ट्रेन है इस रूट की और वैसे सबसे ज़्यादा फेमस है ये मुंबई की शान मुंबई लोकल। मुंबई शहर के अंदर जितनी घनी आबादी आपको देखने को मिलती है उतना ही घनत्व आपको यहाँ की हरियाली में शहर के बाहर देखने को मिलेगा। जैसे ही हमारी ट्रेन वैतरणा पहुँचती है अपने आप ही ये हरे मंजर आपके सामने आ जाएंगे। तो गाइज ये है अगस्त क्रांति राजधानी का फर्स्ट एसी के वॉशरूम का इंटीरियर, काफ़ी साफ सुथरा है और इससे तारीफ कर नहीं सकते, लेकिन इससे अगर आप इसमें आ रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, काफ़ी साफ सुथरी ट्रेन है। तो ये है शावर रूम ट्रेन का, यहाँ से आप शावर ले सकते हैं भाई। अब एक ट्रेन जर्नी में आपको अच्छा खाना मिल जाए, नहाने के लिए बाथरूम मिल जाए और साफ सुथरी सीट्स मिल जाए, और क्या चाहिए, है ना कमाल की। तो फर्स्ट एसी जर्नी करने का यही फ़ायदा होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कभी आप इस पर ट्रैवल करें तो शावर इसमें ले सकते हैं आप। तो दोस्तों 2 घंटे में 170 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हम लोग आज के अभी वापी रेलवे स्टेशन में, जो कि वापी जो शहर है वो मशहूर है अपनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए और गुजरात के फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ में से है। यहाँ हमारा अराइवल जो 6:54 का था थोड़ा सा लेट, यानी 7:02 पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और मात्र 3 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से अब चल भी जाएगी। छोटा स्टेशन है लेकिन उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में ये भी बहुत ही बड़े स्टेशन में से आएगा, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ की काफ़ी यूज़फुल और मशहूर भी हो रही है। खैर वलसाड़ में भी हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके हैं, लेकिन यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें सभी अवेलेबल थी, मतलब गरम वड़ा पाव पकौड़ी वगैरह एकदम फ्रेश देखने को मिला है यहाँ पे आज। बाकी हम लोग भी देखते हैं, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया जाएगा और कुछ चीज़ें स्टेशन से लेकर के आपको टेस्ट करके बताएंगे। वलसाड़
स्पेशल की आप लोगों ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बहुत सारे देखे होंगे। तो दोस्तों यहाँ 263 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए अपनी ट्रेन पहुंची अभी सूरत में, जिसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया और टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब भाई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है, ऐसा लगता है जैसे आपका प्लेटफॉर्म फर्स्ट फ्लोर पे बनाया गया हो। ऐसी फीलिंग आपको उड़पी रेलवे स्टेशन में भी आएगी जो कि कोंकण रेलवेज में है, और यहाँ अपनी चमचमाती अगस्त क्रांति राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर समय से पहले ही पहुँच चुकी है। अगस्त क्रांति राजधानी के बीच में स्टॉपेज नहीं थे, उदना वगैरह हम लोगों ने स्किप किया है, सीधा हम लोग सूरत आके रुके हैं। और जो हमारा अगला स्टॉप है वो है भरूच रेलवे स्टेशन, फिर हम लोग पहुंचेंगे बड़ोदरा, जहां पे कुछ स्पेशल चीज़ मैंने आप लोग के लिए ऑर्डर की है, आप लोग भी उसे देखिएगा कैसी है वो। तो भाई लोग ये है सूरत के स्पेशल खमन, जो कि अभी हम लोगों ने सूरत डिपार्चर होते होते ले ही लिया था, और ये हमने लिया था वलसाड़ से। और भाई इसका टेस्ट मैं करूँगा अभी, बताऊँगा आपको कैसा। और ये थोड़ा कॉस्टली पड़ा अपने को, 60 रुपीज़ का पड़ा है। अब कितना वर्थ है तो देखेंगे, चलिए ट्राई किया जाए। पर ढोकला संदीप भाई ट्रैवल करेंगे, क्योंकि मैंने तो कई बार सूरत में ट्रैवल किया है। संदीप भाई बताएंगे ढोकला कैसा है। तो इसको चाहे आप खमन बोलो या फिर ढोकला बोलो, एक ही बात होती है मेरे ख्याल से, है ना। तो सूरत का भाई ने कंसिडर किया था कि यहाँ पे आके जरूर से ढोकला खाओ, तो लिया हमने। रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन तापी नदी पार पार हो रही है अभी। रोकने के लिए माफ़ी, लेकिन तापी नदी पार हो रही है अभी, और क्रॉसिंग भी हो रही है ट्रेन के साथ। बहुत अच्छे हैं, मतलब अभी एक खाया और दूसरा तुरंत खाने का मन हो रहा है, मतलब समझ जाओ कि टेस्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है। तो भाई लोग ये रहा वो मिल्क जिसकी मैं बात कर रहा था। एक्चुअली टेस्ट अच्छा है, पर 60 रुपीज़ जितना अच्छा नहीं है, मतलब इससे अच्छा अमूल का होता है। जैसा मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई अमूल का ट्राई करो, आप गुजरात में हो तो अमूल का प्रोडक्ट ही ज़्यादा ट्रस्टेबल रहेगा। और माफ़ी चाहूँगा, ब्रांड से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन बस 60 रुपीज़ के हिसाब का नहीं लगा। तो दोस्तों आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर राजधानी एक्सप्रेस है तो उसका नाम अगस्त क्रांति क्यों रखा गया। तो मैंने भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ा, तो और जानकारी ये मिली है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था 1942 में, तो ये अगस्त क्रांति मैदान से ही शुरू हुआ था, जो कि मुंबई में है। और ट्रेन एग्जैक्टली 50 साल बाद 1992 में शुरू की गई थी हमारी ये राजधानी। ऑलरेडी मुंबई नई दिल्ली राजधानी चल रही थी, उसके बाद अगस्त क्रांति राजधानी को शुरू किया गया था ज़्यादा स्टॉपेजेस के साथ, ताकि जो सूट में सभी यात्री हैं उन सबको सुविधा पहुँचाई जा सके। उससे पहले वो जो मैदान था अगस्त क्रांति मैदान, उसका नाम ग्वालिया टैंक मैदान नाम था, और जो समय के साथ बदलते हुए अब अगस्त क्रांति मैदान रख दिया गया है, और हमारी ट्रेन का नाम भी वहीं से अगस्त क्रांति राजधानी पड़ा। जैसे ही हम लोग नर्मदा माता को पार करते हैं, यहाँ पे भरूच रेलवे स्टेशन में हमारा जो अराइवल है वो शुरू हो जाता है। भरूच को जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है, भरूच जंक्शन 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, और यहाँ से दहेज के लिए भी लाइन गई हुई है। वैसे जब मैं दिन में आया था तो यहाँ पे खूब सारी चिड़ियाँ एक साथ चहचहा रही थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। खैर रात के समय तो शायद शांति हो गई होगी, चिड़िया सो गई होंगी। और यहाँ पे हमारा 8:49 का अराइवल था, बस एक दो मिनट के डिले के साथ हम यहाँ पहुँच चुके हैं। वैसे शायद आप लोगों को दिख रही हो, पर वहाँ पे खूब सारी चिड़िया अभी भी दिल लाइन से बैठे हुए, आवाज़ आ रही होगी। मतलब ये दिन में अगर आप नज़ारा देखते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगता। तो बस निकल चुके हम लोग भरूच से भी, अब अगला स्टॉप जो है वो है अपना वडोदरा जंक्शन। कैसे इसको
तो दोस्तों अभी हमारी मुलाकात हुई कूपर से, जो कि मस्ती कर रहा था ट्रेन के अंदर। एक प्यारा सा डॉग है जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है। खैर मैंने पता किया ओनर से कि भाई इसका प्रोसेस क्या, आप कैसे मतलब कूपर को लेकर के आए अपने साथ जर्नी में। तो उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने पहली बात तो उन्होंने बोरीवली से बोर्ड किया था, तो उन्होंने चर्च गेट के ऑफिस में, यानी जो भी आप जहाँ रहते हैं वहाँ का जो जोनल हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वहाँ पे आपको जाकर के एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपको कूप या केबिन दिया जाए। मतलब अगर आप सिंगल सीट भी बुक करना चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा, आपको या तो दो सीट बुक करनी पड़ेगी या तो चार करनी पड़ेगी। या तो अगर आप चार लोग ट्रैवल कर रहे हो तो और अच्छी बात है, और साथ में तभी आप अपने पेट डॉग को कैरी कर सकते हो। उसके साथ आपको उसकी जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट करनी होगी, उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, और जिस दिन आपकी ट्रेन है ना उसी दिन लगभग दो घंटे पहले जहाँ से आप बोर्ड कर रहे हो उस स्टेशन के पार्सल ऑफिस में जा करके उसका वजन वगैरह करवाना पड़ेगा, और जो पार्सल चार्जेस है वो पे करने पड़ेंगे। अब कूपर का वेट जो है, अब कूपर का जो वेट है वो अराउंड 32 kgs है। तो जो उनके ओनर हैं उन्होंने 740 rupees इसके लिए पे किया है। उनसे मेरी अच्छे से डिटेल में बात हुई, और बाकी जो आपका डॉग है उसका ख्याल आपको खुद रखना है। जो मतलब जो जो यूरिन वगैरह वो पास करेगा वो साफ करने से लेकर वो सब जिम्मेदारी ट्रेन की आपको OBHS स्टाफ को देनी है, लेकिन मोस्टली आपको ख्याल ये रखना है कि ट्रेन के किसी और पैसेंजर को उससे कोई दिक्कत ना हो। मतलब अगर कोई काटने वाला डॉग है तो उसके मुंह पे वो मास्क टाइप का जो होता है वो लगाना पड़ेगा आपको। बाकी ट्रैवलिंग में आपके अगर जो पैसेंजर्स हैं साथ वाले उनको दिक्कत नहीं है तो आप डॉग को कैरी कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ होता है यात्रा के दौरान कि जो डॉग है वो किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आपको गार्ड केबिन में जो केज होते हैं वहां पे उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर आप पेट को कैरी करें तो आपको ऐसे ही उसे मतलब नीचे स्टेशन में लेकर के आना पड़ेगा वॉशरूम वगैरह करवाने के लिए। और यहाँ हमारी ट्रेन वडोदरा जंक्शन पहुंच चुकी है दोस्तों। दोस्तों यहाँ अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है वडोदरा जंक्शन, और 392 kilometers की दूरी को हम लोगों ने लगभग 4.5 घंटे में पूरा कर लिया है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, वडोदरा से एक लाइन गई है गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की ओर, और दूसरी स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी केवड़िया की ओर, और तीसरी लाइन जिसमें हम लोग बढ़ने वाले हैं वो रतलाम की ओर जा रही है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल टाइम था 9:49 का था, लेकिन हम लोग समय से थोड़ा पहले ही यहाँ पहुँच गए। बाकी यहाँ तक जो सफ़र था काफ़ी अच्छा था, हम लोगों ने 4.5 घंटे में ही 392 kilometers की दूरी को तय कर लिया है। और चलिए देखते हैं यहाँ डिपार्चर, अगर हम लोग यहाँ से कुछ लेते हैं तो वो मैं ज़रूर आप लोगों को ट्राई करवाऊँगा। यहाँ पे देखिए स्टेशन में बायो टॉयलेट भी बने हुए हैं वडोदरा के, अच्छा लगा देख करके। अभी तो अपना 5 रुपये वाला पानी जो कि बंद हो चुका है। अभी तो दोस्तों अपना ऑर्डर किया हुआ पिज़्ज़ा आ गया, उसे मैंने IRCTC की वेबसाइट से ही ऑर्डर किया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक कीजिए, आपको डायरेक्ट PNR एंटर करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको वैरायटी ऑफ स्टेशन दिख जाएंगे जहाँ से आप अपनी पसंदीदा स्टेशन से पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे मैंने इस पिज़्ज़ा को भी ऑर्डर किया है वडोदरा में, चलिए टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। काफ़ी बढ़िया पिज़्ज़ा है, बस थोड़ा ठंडा हो गया। बाकी अगर आप डोमिनोज से भी ऑर्डर करना चाहते हो ना तो उनकी वेबसाइट में भी आपको एंटर योर PNR और ट्रेन नंबर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप ट्रेन में डोमिनोज का अगर कोई नियर बाई स्टॉल है तो वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो पिज़्ज़ा खाना ट्रेन में बहुत ही आसान हो चुका है जब से ई कैटरिंग वेब से चालू हो गई है। तो भाई अगर आपको पिज़्ज़ा पसंद है तो जर्नी के दौरान ऑर्डर करिए और नाइट व्यूज़ को एंजॉय करिए जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से कल सुबह, आप इन सब चीज़ों को फिनिश करते हैं। कल सुबह कोटा, सवई माधोपुर, मथुरा से स्टेशन आने वाले, जहाँ नींद खुलेगी वहाँ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों। बात हो रही है भरतपुर जंक्शन से, और अभी हम लोग भरतपुर जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। चलिए पहले देखते हैं स्किप, फिर मैं बताता हूँ इसे जंक्शन क्यों कहते हैं।
गोरखपुर से एक रास्ता अजनेरा जंक्शन की ओर चला जाता है, वो सामने की ओर वहाँ पे, और हम लोग बढ़ चले हैं मथुरा लाइन की ओर। तो दोस्तों वो जो सामने आप लाइन देख रहे हैं वो आ रही है आगरा से, और हम लोग अब मथुरा जंक्शन पहुंचने वाले हैं। खैर एक घंटा पहले हमारी ट्रेन आउटर पे पहुंच गई थी पर अब तक रोके रखा गया और अब हमें प्लेटफॉर्म एंट्री दे दी गई है। यहाँ 7:45 हम लोग मथुरा जंक्शन पहुंच चुके हैं निर्धारित समय से 15 मिनट पहले, और कोई ट्रेन यहाँ पे अभी मथुरा को स्किप करने वाली है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और हम लोग पहुंच गए हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, और मथुरा से कई सारे रूट गए हुए हैं अजनेरा जंक्शन के लिए, कासगंज के लिए, अलवर के लिए, कोटा के लिए, आगरा के लिए। भाई अगर आपको ताजमहल देखना है तो वहां जाना पड़ेगा, वृंदावन जाना है तो यहां उतरना है। वैसे जो नई दिल्ली वाली राजधानी उसको यहां स्टॉप नहीं दिया गया है, मुंबई नई दिल्ली, पर हमारी अगस्त क्रांति राजधानी को यहां स्टॉप दिया गया। और बहुत सारे पैसेंजर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे डीबोर्ड करते हैं, और सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, चाय पानी यहाँ पे देखते हैं, और अपने सफ़र को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। बस बिल्कुल 8 बजे हम लोग मथुरा से निकल भी गए हैं, मथुरा जंक्शन से, ज़्यादा देर रुके नहीं हैं यहाँ पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हम लोग चले और 3 पे अभी गरीब रथ के आने के अनाउंसमेंट हो चुकी है, बांद्रा हजरत निज़ामुद्दीन। तो दोस्तों लगभग 1244 किलोमीटर की दूरी को हम लोगों ने अभी 15 घंटे में तय कर लिया, मतलब समझ सकते हैं आप अगस्त क्रांति राजधानी की स्पीड क्या रही होगी ऐसे में। और यहाँ पे अपने को मथुरा से निकलते निकलते कमसम के आलू के पराठे मिल गए, अब इसे भी टेस्ट करेंगे। रात का डिनर तो पिज्ज़ा था और अच्छी खासी भूख लग रही है अभी। तो मथुरा जंक्शन से देखते ही देखते अपना डिपार्चर भी हो चुका है। खैर अभी तक तो अगस्त क्रांति में हमारा सफ़र है काफ़ी बढ़िया चल रहा है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, पंक्चुअल, और मतलब जो साफ सफाई है वो भी अच्छी है गाड़ी की। बस एक चीज़ की कमी खल रही है, जो राजधानी ट्रेन में खाना पीना मिलता था फर्स्ट एसी में, अगर वो भी मिलने लग जाए तो बस वापस जब हमारे पुराने दिन आ जाएंगे ना तो राजधानी को उसकी वैल्यू वापस मिल जाएगी। तो दोस्तों मथुरा से निकलते निकलते ये संदीप भाई ने लिया है पेठे आगरा के, वैसे मथुरा मिल गए अच्छी बात है, और यहाँ के पेड़े नहीं लिए हम लोगों ने क्योंकि जो स्टेशन में पेड़े वगैरह मिलते हैं वो काफ़ी मीठे निकलते हैं, और यहाँ पे कमसम की जो थाली है वो है, देखो भाई इसके अंदर है क्या। तो भाई लोग ये है कमसम की थाली के पराठे, और देखते हैं कैसा है इसका स्वाद। अलग तो रही कि आलू भरी हुई है इसमें, यहाँ आलू भरी है, उम्मीदें नहीं थी कमसम से, लेकिन चलो आलू भरी है कुछ। और वैसे काफ़ी भूख लग गई थी सुबह सुबह अचानक से, तो मैंने सोचा कुछ ले ही लिया जाए, और कुछ उड़ पटांग खाने से अच्छा किए। तो चलिए इसे मैं फिनिश करता हूँ, आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ। तो यहाँ हमारी ट्रेन अब पहुँचने वाली है हज़रत निज़ामुद्दीन, लेकिन उससे पहले फरीदाबाद रेलवे स्टेशन में हम लोगों ने ओवरटेक किया अमृतसर की ओर जाने वाली बांद्रा अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस को। खैर इतना ही नहीं, यहाँ से निकलते ही तुगलकाबाद में आपको कर्नाटका एक्सप्रेस भी खड़ी हुई मिलेगी साइड पर, तो इन्जॉय कीजिए इस प्रायोरिटी को। निज़ामुद्दीन पहुँचते पहुँचते भी दो ट्रेनों का, यानी दो प्रीमियम ट्रेन का ओवरटेक हो चुका है, चलिए इन्जॉय कीजिए इस ओवरटेक को।
तो दोस्तों टोटल 1378 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए हम लोग पहुँच गए हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन बिल्कुल राइट टाइम 9:43 पे। और हमें ये पूरा सफ़र तय करने मिला 16.5 घंटे यानी 16 hours 30 minutes ही लगे हैं बस। और रास्ते में हम लोगों ने जो दो ट्रेन ओवरटेक की वो थी पहले पश्चिम एक्सप्रेस और फिर कर्नाटक एक्सप्रेस। ओवरटेक कैसा लगा बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों अपने सफ़र को तय करते हुए निज़ामुद्दीन हम लोग पहुँच गए और संदीप भाई का पहला एक्सपीरियंस था मतलब मुंबई राजधानी के फर्स्ट एसी में, है ना। इससे पहले तेजस राजधानी में बैठे हैं, हाँ मुंबई राजधानी और क्रांति में रेक शेयरिंग थी। तो कैसा लगा आपको ये सफ़र और मतलब जो सीट्स का जो कंफर्ट है उसे कैसे कंपेयर करना चाहेंगे? मैं बात करूँ सीट की, अगर सीट की बात करूँ पर्सनली तो सीट बहुत अच्छी है इसके लगे मुझे। और खासतौर पर जो इसमें एक तरह जो क्या बोलते हैं ये जो लेयर लगाया गया ना, ये लेयर आपको सभी सीट में नहीं मिलती, मतलब तेजस वाले राजधानी में नहीं मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे और काफ़ी मतलब बहुत कंफर्टेबल था सीट, मतलब ये मिस करेंगे अगर रेक्स चेंज हो गए तो। रेक्स चेंज में सबसे पहली चीज़ है ये और दूसरा है अपने दरवाजे वगैरह जो इसके ओपन होते हैं, क्योंकि कभी भी खाना पीना लेके कुछ भी चढ़ सकते हैं उसमें। हम लोगों ने कई बार ये देखा कि लोग रह जा रहे थे, पैसेंजर रह जा रहे थे, तो उसमें डर भी होता है उसमें कि कहीं छूट ना जाए, तो उसके डर के कुछ ले भी नहीं पाते। हाँ मतलब खुल के मतलब चीज़ें खरीदने वगैरह उतर नहीं सकते। और अभी फिलहाल राजधानी ट्रेन में भी वही हाल है, खाना पीना बेडशीट नहीं मिल रही है। कई लोग परेशान भी हो रहे थे बेडशीट के लिए घर से लेकर नहीं चले, तो भाई इस चीज़ का ख्याल रखना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इस वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे जल्दी ऐसे आप लोगों से और आने वाली जर्नीज में, ढेर सारे ट्रेन रिव्यूज में, और ऐसे आप लोग मेरे साथ ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।